तो दोस्तों अभी देख रहे हैं आप, मेरी गाड़ी इतनी बंद हो चुकी है और ये PS6 गाड़ी पे इतनी प्रॉब्लम आती है, मतलब चीज़ की हद नहीं यार। मतलब क्या है कि मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो में बताया जब कोई दिक्कत नहीं आ रही थी मेरे को, और अब देखिए क्या है, सेकंड सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आई थी और मैं थर्ड सर्विसिंग जैसे ही करने गया और करने के बाद पता नहीं क्या छेड़खानी करी सेंसर के अंदर, क्या करा क्या नहीं करा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ठीक है, लेके आया था भाई जब भी बंद हो गई थी गाड़ी, ठीक है, फिर शोरूम पे लेके जाने वाला था वो शाम को, तो शाम हो गई थी, शोरूम बंद हो गया और गाड़ी आज मैं लेके आया, थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो चलते तो ठीक हो जाएगी, बाकी ठीक होने का तो नाम ही नहीं ले रही, वो तो बंद हो गई, मुझे ऑफिस जाना था कुछ काम से, बाकी गाड़ी बंद हो चुकी है। देखिए आप ये देखिए, ये गाड़ी को देखिए, ये पहले से ये चाबी ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए आप, और अभी 15 मिनट से कंटिन्यू। तो आप ये देख लीजिए, अब मैं आपको सामने स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को, ये रखा मैंने हेलमेट, और ये देखिएगा आप गाड़ी को कितनी किक मारूंगा, चाबी भी ऑन दिख रही होगी आपको, आप देखिए कितनी किक मारूंगा, ये गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई ये देखो सेल पे भी नहीं ले रही है भाई, करंट ही नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा गाड़ी में। जैसे वो अपन देखते ना कई बार क्या होता है, गाड़ी के अंदर प्लग शॉर्ट हो जाता है तो करंट नहीं जाता, इस तरह की सिचुएशन हो गई है। तो भाई यार कोई दिक्कत हो तो कम से कम किक से तो स्टार्ट हो जाना चाहिए ना गाड़ी को यार, अब मैं 10 मिनट से खड़ा हूँ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी में पेट्रोल भी फुल है, देखो आप ये देखो गाड़ी में पेट्रोल भी फुल दिख रहा होगा आपको, और यही रोड पर हाईवे रोड पर खड़ी है गाड़ी, देखो ये मैं हाईवे रोड पर खड़ा हूँ, ये यार हाथ हो गई यार, ये देखो गाड़ी लेके खड़ा हूँ यार, ये BS6 गाड़ी से बढ़िया तो पुरानी गाड़ी थी यार, सही बोल रहा हूँ मैं साला सेंसर का लफड़ा ना कोई लफड़ा साला, ये देखो खाली पता नहीं कौन कौन से सेंसर में क्या दिक्कत आ जाती है, समझ नहीं पता, ये स्टार्ट मार के परेशान हो गया हूँ, कभी स्टार्ट होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता साला, और होके बंद हो जाएगी कोई भरोसा नहीं, बीच में बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं था इसका। ये कॉपी मारता हूँ आपके सामने, देखो आप ये देखो आपका दिख रहा होगा उन्होंने चाबी, ये मेरे को पता ही नहीं स्टार्ट होगी नहीं होगी, ये कंटिन्यू मार रहा हूँ कुछ असर नहीं हो रहा है, देखो कुछ भी नहीं हो रहा यार, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, स्टार्ट होगी कि नहीं होगी गाड़ी पता नहीं है, अब गाड़ी स्टार्ट होती तो फिर बताता हूँ मैं आपको, अब बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही है, 15-20 मिनट तक खड़ा हूँ मैं बिल्कुल, सेंसर हो जाता थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाए थोड़ा बहुत दिख जाए तो मैं उसको ऑफिस शोरूम पे लेके जाऊँ यार, बहुत परेशान हो गया साला ये देखो है क्या यार, ये BS6 से सारी गाड़ी में इसी दिक्कत आ रही है यार बहुत ज़्यादा, मतलब ये सेंसर वगैरह वाली गाड़ी तो सही में एक तरह देखो तो अच्छी भी है और एक तरह देखो तो सेंसर ख़राब हो तो बहुत तकलीफ वाला कालम है ये गाड़ी में बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, आपकी भी पुरानी गाड़ी चला रहे हो तो पुरानी गाड़ी चलेगी भैया, नई गाड़ी में सोचिए मत, बहुत दिक्कत आने वाली है सही में, यदि अच्छी मिल गई गाड़ी ये सेंसर में नहीं दिक्कत है तो दिक्कत है, हो सकता आने वाले आगे दो तीन साल बाद सेंसर में दिक्कत आने लग जाए यार, ऐसे नॉर्मल गाड़ी बनाना था आपको यार, क्या सेंसर के लफड़े करती है। चलो मैं देखता हूँ गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती फिर बताता हूँ मैं आपको वीडियो में, ये देखो भैया स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी है, ये देखो पेट्रोल भी फुल है देखो लागे इसमें, ये मुझे ऑफिस जाना था सारा गाड़ी खड़ी हो गई मैं और पेट्रोल वेट्रोल था भी उसमें स्टार्ट ही नहीं हो रही है, करंट ही बिल्कुल नहीं आ रहा यार उसमें, करंट ही नहीं आ रहा उसे इतना ही चक्कर में, पेट्रोल वाला कुछ है नहीं ना, सब ऑटोमेटिक है यार, वही तो दिक्कत है गाड़ी के अंदर, ये देखो गाड़ी पूरी की पूरी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, आधे एक घंटे से ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, पेट्रोल भी फुल है गाड़ी के अंदर, ये गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी फुल है,